भोपाल से खबर, ब्यावरा में हुई कलेक्टर के साथ बस सलूकी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने दिया बड़ा बयान। कहा कि सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, अधिकारियों के साथ बस सलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, राजधानी समाचार से। साथ में उन्होंने कहा है कि नेता शब्द नेता ने लिखा कि इस तरह की बजाय शालीनता से पेश आए, मतलब आप खुद 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो, यदि महिला अधिकारियों पर हाथ कोई उठाए, बाल खींचे, लात मारे, गाली दे, उसको कभी माफ किया जा सकता? माफ नहीं किया जा सकता। मुझे तो इस बात का दुख है कि हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, इसमें कौन सी बड़ा वो था, किस बात का नोटिस है? खैर, उसका जवाब सरकार देगी, लेकिन जिन लोगों ने ये किया, जिनके सदारत में हो रहा था, दोनों एक्स एमएलए अमर सिंह यादव और मोहनलाल शर्मा, दोनों पर आपराधिक प्रकरणों भरमार हैं, और वहां पर ये दंगा कराना चाहते थे उस दिन ब्यावरा में, जानकारी हमारे पास थी, इसलिए थोड़ा प्रशासन ने उस पर सख्त कार्रवाई की। और जब आप गाली दोगे महिला कलेक्टर को, आप देखिए वीडियो में एक व्यक्ति उनसे बहस कर रहा है, क्या कहा वीडियो पे नहीं आया, लेकिन मुझे बताया गया कि गाली दी उसने, तब उसको नाराजी होकर उसने उसके साथ थप्पड़ मार दिया। ये शक्ति का आदेश ऊपर से थे सर जी, अभी शक्ति का आदेश ऊपर से थे उस दिन। कोई आदेश, एक आदेश आता है सरकार की तरफ से कि देश में, प्रदेश में अमन चैन शांति कायम रहे, दंगा फसाद ना हो, यही आदेश जाता है, बाकी और कोई आदेश नहीं जाता है। दूसरा, एसडीएम को लात मारी, बाल खींचे, उसको भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही आपने 13 साल प्रशासन में आपने यही सीखा है, शासन में आपने यही सीखा है, मैं निंदा करता हूँ आपकी। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आ रही है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति, दिल्ली वालों से पूछो। सर, आपके सरकार के एक मंत्री कमलेश्वर पटेल, उनका वीडियो कल से वायरल हो रहा है, एक महिला के साथ धक्का देते हुए उसको खींचते हुए, क्या कहें? मेरे, मुझे वीडियो दिखाइए, मैं कमलेश्वर से पूछूंगा। सर, ये गोपाल भार्गव और जो हमारे चैनल राजधानी समाचार को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।